हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सेम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी पेपर थर्ड का टॉपिक माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है और फिश माइग्रेशन इसी के अंडर आता है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। अच्छा, ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है। आप चैनल जिस भी मीडियम से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बाकी अपने आप से ही लिखना है आप लोग अल्टीमेटली। सो स्टार्ट करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। माइग्रेशन यार एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं माइग्रेट करना। अब वो किसी रीजंस की वजह से ही होगा। क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट रीजन, वजह, कारण, ठीक है। तो बच्चे जो है एग्ज़ाम में, बहुत बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, हम लोग रीजन लिख के आ जाते हैं। रीजन तो बेटा जगह होती है, रीज़न मतलब वजह, तो रीजंस की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। बहुत सारे मतलब रीजंस होते हैं, या तो फूड के लिए, मतलब फूड, या तो जहाँ पे वो मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में वो लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे खाना ख़त्म हो जाए तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं, या फिर ब्रीडिंग की वजह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, या तो वेदर कंडीशंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। मतलब जैसे कि सपोज़ कोई एनिमल ए है, वो यहाँ पे रह रहा है, उसका ये घर है, अब यहाँ पे खाना ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पे रहेगा तो जाहिर सी बात है भूखा मर ही जाएगा, तो वो क्या करेगा, आसपास मूव करेगा, माइग्रेट करेगा, ऐसी जगह पे चला जाएगा अल्टीमेटली जहाँ पे खाना एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। या फिर ये जो ए है, यहाँ पे वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत हार्श वेदर हो गया है, तो ये क्या करेगा, अच्छे वेदर कंडीशन जहाँ पे इसके लिए फेवरेबल होगी ये वहाँ पे मूव कर जाएगा। तो यही होता है माइग्रेशन। बाकी मैंने क्या लिखा हुआ है देखते हैं ज़रा। माइग्रेशन, लेट मी रेज, ओके, माइग्रेशन इन एथोलॉजी इज रेगुलर यूजुअली सीजनल मूवमेंट ऑफ ऑल और अ पार्ट ऑफ एन एनिमल। मतलब ये एक रेगुलर होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। जैसे कि सपोज आपको मतलब ब्रीडिंग के लिए जाना है, आपको नहीं, मतलब एनिमल्स जो होते हैं उनको ब्रीडिंग के लिए, मतलब यहाँ पे उनको जो है सूटेबल नहीं लग रहा है अपने एग्स देना, या फिर इस जगह पे वो अपना जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे करना सूटेबल उनके लिए नहीं है, फेवरेबल नहीं लग रहा है उन्हें, तो वो क्या करेंगे, इस जगह पे चले जाएंगे। और जब उनका वो ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग पीरियड ओवरकम हो जाएगा कंप्लीट, तो वो फिर से यहाँ पे वापस आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट होता है ये ज़रूरी नहीं कि जितने इस स्पीसीज़ के, यानी कि आप सपोज़ यहाँ पे ए है तो इस ए स्पीसीज़ के सारे ही एनिमल एक साथ मूव कर जाए, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं सब मूव करें, जिसको जिसका मन होता है वो जाता है, जिसका नहीं मन होता है वो वहीं रहे, मरे, जो भी हो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, फिर सीन इन बर्ड्स फिशेस, ये ज़्यादातर बर्ड्स और फिशेस में ही देखा जाता है, और हम लोग भी बर्ड्स और फिशेस का ही पढ़ेंगे। अभी फिशेस का है, नेक्स्ट वीडियो बर्ड्स का आएगा, उसमें बर्ड्स का पढ़ेंगे। माइग्रेशन ऑफ मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स मे एंड मैनी ऑफ फिशेस आर ऑन द ईयरली साइकिल। मतलब ये ईयर बेसिस पे भी होता है, जैसे कि अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे बर्ड्स का, तो उसमें क्या होता है कि बर्ड्स, तो जो माइग्रेशन होता है बहुत सारे बर्ड्स का या फिर मैमल्स का, वो ईयरली बेसिस पे होता है। मतलब जब टाइम आता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड ऐसा आता है जब वो माइग्रेट करते हैं, जैसे कि बर्ड्स होती हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी बर्ड्स का माइग्रेशन वगैरह, तो बर्ड्स क्या करती हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड आता है अल्टीमेटली जब वो माइग्रेट करती हैं बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स जो है एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब वो एक इस पर्टिकुलर स्पेस पे सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो मूव ऑन कर जाती हैं। मूव ऑन मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं, मतलब मूव कर जाती हैं दूसरी जगह पे, और फिर जब यहाँ पे कंडीशंस इनकी फेवरेबल हो जाती हैं फिर से, तो ये इस जगह पे वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप का माइग्रेशन बर्ड्स में देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिश माइग्रेशन, लेट मी रेज। सो फिश माइग्रेशन क्या होता है, द टर्म माइग्रेशन यूजुअली मीन्ट फॉर ट्रैवलिंग बिटवीन ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड मेन ग्राउंड्स ऑफ लिविंग। वही सेम चीज़, माइग्रेशन बेसिकली जो होता है वो दो वजह से होता है, या तो ब्रीडिंग की वजह से या तो फूड के पर्पज से, ठीक है। और भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, टेम्परेचर या फिर वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, बट जो मेन जो होता है वो यही दो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से फ़िश माइग्रेट करती है, ठीक है। द फिश माइग्रेट इन, जो फिश होती है जो वो माइग्रेट करती है लार्ज ग्रुप्स में, और उन्हीं लार्ज ग्रुप्स को बोलते हैं स्कूल या फिर शोल्स ऑफ फिशेस। देखो लिखा हुआ है स्कूल या फिर शोल्स ऑफ फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट इज
In such schools, the size, weight and hormonal level of all are identical. और ये जो मतलब अब यार देखो, एक पर्टिकुलर ग्रुप है ये माइग्रेट कर रहा है फिश का, तो जाहिर सी बात है जो एक में दिक्कत आ रही होगी वही दूसरे में आ रही होगी, वही तीसरे में आ रही होगी, वही चौथे में आ रही होगी, तभी तो ये सारी एक साथ माइग्रेट कर रही है ना। तो सबका साइज़, वेट और हार्मोनल लेवल जो होता है वो सेम होता है, तभी वो एक ग्रुप में एक साथ माइग्रेट करती हैं, ठीक है। माइग्रेट ड्यू टू ओविपोजिशन, टेम्परेचर एंड मिनरल बैलेंस, ठीक है। ये जो फिश होती हैं या तो ओविपोजिशन यानी कि ब्रीडिंग ग्राउंड्स की वजह से, या फिर टेम्परेचर चेंज, या फिर मिनरल इम्बैलेंस यानी कि खाने की कमी वगैरह होना, इस वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं। होप सो फिश माइग्रेशन क्या होता है समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कम्स टू आवर Q&A पार्ट। आज का Q&A है कि माइग्रेशन क्या होता है बता दो। अभी पढ़ाया है जाहिर सी बात है, बता सकते हो, जल्दी से बता दो कमेंट्स में कि माइग्रेशन होता क्या है। मतलब बहुत ही सिंपल सी, शॉर्ट सी डेफिनेशन, पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन बताओ फटाफट से।